जब जब इस देश में अपनी संस्कृति है, परंपरा है, यहाँ की मान मर्यादा को क्षति हुई, हानि पहुंचाने का प्रयास बाहरी तत्वों के लोगों ने किया है, तब तक इस देश में, इस देश के सपूतों ने जन्म लिया है। उसी क्रम में भगवान बिरसा मुंडा का नाम भी आता है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म काल का हम सोचेंगे, देखेंगे तो उस कालखंड में जिस स्थान पर उनका जन्म हुआ है वो घनघोर जंगलों से भरा हुआ था। झारखंड में खूंटी एक जिला है, वहां उलिहातू गांव है। उलिहातू गांव में जाने के लिए रास्ता ही बड़ा कठिन था और उनके माँ पिताजी बहुत गरीब परिवार के थे। पिता सुगना मुंडा, माता कर्मी, दूसरे के यहाँ मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। और जब कर्मी देवी गर्भवती हुई, उस दरमियान में वो खेत में काम कर रही थी। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म खेत के तरफ ही हुआ, वहीं से वो लेकर के आई। धीरे धीरे थोड़ा वो बढ़ने लगा तो उनके माँ पिताजी सोचने लगे कि हम लोग तो गरीबी में मजदूरी के काम करते ही हैं, बिरसा को हम पढ़ाएंगे। ऐसा सोच करके ऐसे बिरसा मुंडा के और भी दो भाई दो बहन थे। उनकी एक मौसी थी, मौसी का नाम जौनी था। जौनी सोचती थी कि बिरसा को पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बनाएंगे, इसलिए अपने साथ भी रखी वो। बाद में वो आया भातु, उनके मामा घर है, वहां पर रह करके उन्होंने पढ़ाई करना शुरू किया। अब उनके प्रतिभा देखिए, गांव में तो जयपाल नाग करके एक शिक्षक का प्रारंभिक पढ़ाई कराते थे, गणित और कुछ भाषा का ज्ञान, तो उनके यहाँ उनका नामांकन कर दिया गया। अब अपने मामा के यहाँ बकरी भी चराना, गाय भी चराना, ये भी करते थे, लेकिन उनमें एक प्रतिभा थी। वो वहां पर देखते थे कि गांव के लोग कुछ जड़ी बूटियों का खोज करते हैं और बीमारियों का इलाज करते हैं, तो उस छोटी अवस्था में बकरी चराते हुए उन्होंने ये सीखना प्रारंभ किया। उसी दरमियान में उन्होंने बांसुरी बजाना भी शुरू किया, बांसुरी बजाने में भी काफी निपुण रहे वो। तो ऐसा करते करते छोड़े यानी छोटे आयु में उन्होंने जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर वहां की पढ़ाई होने के बाद, आगे की पढ़ाई करनी चाहिए तो एक बुरजू मिशन करके ईसाइयों का स्कूल है। अब उस स्कूल में नाम लिखाने के लिए यानी उसको चर्च के लोगों ने स्पष्ट सिद्धांत बनाया था कि जो ईसाई होगा वही इस स्कूल में पढ़ेगा, तो पढ़ाना था, उद्देश्य तो वही था, इसलिए उनका धर्मांतरण हुआ यानी ईसाई के रूप में किया गया। उनका नाम उस समय दाऊद रखा गया और उनके जो सुगना मुंडा थे उनके उनका नाम मसीदास रखा गया। ऐसा करके हुआ। फिर बपतिस्वा का समय आया, तभी वो पूरा होता है, बपतिस्वा में उनकी चोटी काटा गया। तब वो, लेकिन पढ़ना था, उन्होंने सब किया। वहां पढ़ाई करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए चाईबासा एक स्थान है, वहां पर भी मिशन का स्कूल में उनका नाम लिखाया गया, यानी 86 से 1890 तक, यानी 1886 से 1890 तक उन्होंने लूथरन स्कूल में पढ़ाई किया 4 वर्ष। लेकिन उन्होंने वहां पर देखा कि वहां पर गोमांस खिलाया जाता है सप्ताह में, तो उन्होंने इसका विरोध किया। और चूंकि उनके जो घर था वहां पर गाय को लोग माता कह करके पूजते थे, तो इसका उन्होंने बार बार विरोध करना शुरू किया। उसी दरमियान में उस एरिया में जो मुंडा समाज का जमीन है उसको जमींदारों ने लूटना प्रारंभ किया, क्योंकि सरकार ने टैक्स काफी लगा दिया था, तो मुंडाओं का सरदार होता था उसका आंदोलन प्रारंभ किया। बिरसा मुंडा वहीं से उनका समर्थन कर रहे थे, यानी चाईबासा से ही।
यानी समाज की साथ उनका जुड़ाव विद्यार्थी जीवन से हो गया था। एक दिन उन्होंने वहां का जो पादरी नाइट्रेट था उनके साथ उन्होंने वार्तालाप किया, विमर्श किया कि हम यहाँ पर गोमांस नहीं खाएंगे, आप लोग अंग्रेज सरकार और चर्च के लोग दोनों एक ही हैं, दोनों की टोपी एक है, इसीलिए उन्होंने कहा था टोपी टोपी एक है, दोनों का काम एक है, दोनों अपनी संस्कृति परंपरा को तोड़ने में लगा रहे हैं, ऐसा उन्होंने उनके साथ बहस किया। तो पादरी नाइट्रेट ने उनको कहा कि मैं तुमको अपने स्कूल से निकालता हूं। तो बिरसा मुंडा ने कहा कि तुम क्या निकालोगे, मैं ऐसे स्कूलों से मैं स्वयं चला जाता हूं, और ऐसा कहकर उन्हें स्वाभिमान पूर्वक वहां से वो चल दिए। और उन ये 1891 में एक गांव है बंदगांव, बंदगांव में उन्होंने सोचा कि हमको आगे कुछ और करना है। वहां एक धर्म ग्रंथ के अच्छे कथावाचक का आनंद पांडे करके थे, उनके यहाँ उन्होंने आया और उनके साथ उन्होंने गीता है, महाभारत है, रामायण है, वेद है, ऐसा उन्होंने अध्ययन प्रारंभ किया। अध्ययन प्रारंभ करना उन्होंने वहां सीखा, लेकिन उन्होंने दूसरा लक्ष्य भी था, वो दिन में वेद उपनिषद ज्ञान प्राप्त करते थे और शाम में गांव में निकल जाते थे, और गांव में निकल करके नौजुकों का संगठन करते थे। नौजुकों को कहते थे कि हमको यहाँ से अंग्रेजों को भगाना है, अंग्रेज हैं यहाँ पर राज कर रहे हैं, यहाँ पर गुलाम बनाया है, हमारा जल जंगल जमीन को हड़प लिया है, कानून बना दिया है, जंगलों में लोगों को जाने से रोकता है, उसके हाथ काटता है, उंगली काटता है, इसलिए अंग्रेजों को भगाना, ऐसा करके नौजुकों का संगठन प्रारंभ किया। उसी दरमियान में आनंद पांडे की ही अपने चैतन्य महाप्रभु के कुछ शिष्यों का आगमन हुआ, तो उनके शिष्यों से भी वो काफी प्रभावित हुए, उनके सदाचार जीवन, उनकी शुद्धता को लेकर उनसे बहुत प्रभावित हुए। ऐसा करते 1891 से 1894 तक उन्होंने बंदगांव में रह करके आनंद पांडे के साथ बहुत कुछ सीखा। फिर वहां से पूरी सीखने के बाद अब वो बहुत योजना बनाए, अपना जो नौजुकों का टीम तो बना ही लिए थे, उन्होंने नौजुकों को टीम को एक आह्वान किया कि हम लोग को कुछ करना है समाज के लिए, एक चाल चल कद करके एक स्थान है वहां पर उन्होंने आश्रम बनाया, और वहीं पर रह करके पूरा यानी सामाजिक राजनीतिक धार्मिक केंद्र बिंदु बनाया उन्होंने, और वहां पर से उन्होंने आह्वान तीन तरह से किया। बिरसा मुंडा का संघर्ष एक तो अंग्रेजों के साथ था, यहाँ पर वो देश को गुलाम किए हैं उसको भगाना, दूसरा उनका उद्देश्य था ये जो चर्च के लोग हैं, ये चर्च के लोग हमारे लोगों को धर्मांतर करके हमारे संस्कृति परंपरा को नष्ट कर रहा है, समाप्त कर रहा है, इसलिए चर्च को भी यहां से भगाना, जो लोग धर्मांतरित हो गए हैं उसको वापस करना, ये दूसरा उनका काम प्रारंभ था। तीसरा उनका था कि ये जो समाज में कुछ कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को भी दूर करना चाहिए, ऐसा करके उन्होंने एक बिरसाइत पंथ की भी उसने स्थापना किया, और बिरसाइत पंथ में आप उसका देखेंगे उपदेश तो बड़ा आश्चर्य है। उन्होंने कहा कि ईश्वर यानी सिंगोंगा एक है, जो बाकी संत महात्मा पुरुष कहे हैं वो बिरसा मुंडा बोल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि गौ की सेवा करो और समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव रखो, नशा मत करो, अशुद्ध भोजन मत करो, और सदैव साफ सुथरा रखो, और अपने घरों को साफ सुथरा रखो, और आंगन में तुलसी का पौधा लगाओ, ईसाइयों के मोह जाल में मत फंसो, बड़ों की आदर करो, कुसंगति से बचो, पर धर्म से अच्छा स्वधर्म है, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने पूर्वजों के प्रति अटूट श्रद्धा रखो, अपनी संस्कृति, अपना धर्म हमारी पहचान है, सदैव एकजुट रहो, और सप्ताह में एक दिन बृहस्पतिवार को
अपने इष्ट देवता सिंह बोगा की पूजा करो और हल मत चलाओ। इनके उपदेश में आप देखेंगे तो पाएंगे कि समाज को कैसे स्वस्थ रहना चाहिए, ये भी उपदेश है। व्यक्तित्व तो निर्माण करने का भी है, पर्यावरण ठीक हो इसके लिए भी है और धर्म के प्रति भी है। यानी इन उपदेशों से उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया। ऐसा करके इन उपदेशों को करने के लिए उन्होंने गांव गांव भेजने का भी प्रारंभ किया। इसलिए उन्होंने तीन दल बनाया, नवयुवकों का तीन दल बनाया। तीन दल बना करके लोगों को कहा कि इन उपदेशों का प्रचार करो, उपदेश का ही प्रचार करो और अंग्रेजों के विरुद्ध संगठन निर्माण करो और चर्च जो धर्मांतरण कर रहा है उसके विरोध में भी आवाज उठाओ। ऐसा करके तीनों ग्रुप इसका गांव गांव जाकर के ऐसा करने लगे। एक दिन क्या हुआ कि उनको रात में कहीं सोए थे, तो सोए तो सपना उनको हुआ। सपना में वहां पर तीन लोग एक देवदूत के सामने बैठे थे, ये भी वहां पर पहुंचे तो एक पेड़ था, लंबा पेड़ था और उस पेड़ पर यानी तेल जैसा चिकनाहट ऐसा कुछ लगा दिया गया था उसमें पूरे तना में। अब उसमें एक एक करके चढ़ने के लिए कहा गया, लोग चढ़ता था फिसल के नीचे आ जाता था, ऐसा किसी ने ऊपर चढ़ नहीं पाया। तो बिरसा मुंडा ने प्रयास किया और उन्होंने ऊपर चढ़ गया, ये दैविक शक्ति ऊपर चढ़ गया उन्होंने। और वहीं से फिर जब उनका नींद टूटा तो एक आवाज आया कि तुम इस देश धरती के अब्बा हो, ऐसा एक आवाज उनको सुनाई दिया, ऐसा जो कई महसूस उनको हुआ। फिर वो अपने एक साथी था उनके साथ वो चल दिए, एक जगह सभा थी, उस सभा में रास्ते में घनघोर बादल छाया, इतनी बिजली कड़की कि बिजली कड़क से बिरसा के शरीर पर पड़ा, बिरसा का शरीर एकदम उजला दिखाई देने लगा। तो उसका दोस्त ने कहा कि बिरसा तो अब मर गया, लेकिन थोड़े समय के बाद बिरसा कुछ को कुछ नहीं हुआ, ठीक हो गए वो। और फिर वो सभा में पहुंचे, वो सभा में पहुंच करके उन्होंने जो सपना के बाद जो आह्वान हुआ था उन्होंने इस बात को कहा कि मैं इस धरती का अब्बा हूं, ऐसा उन्होंने वहां पर बोला। उनकी माँ भी गई थी कर्मी, उन्होंने कहा कि बेटा तुम तो धरती के अब्बा हो लेकिन मेरा भी पुत्र हो। तो बिरसा मुंडा कहते हैं कि हाँ आपका पुत्र है लेकिन अब मैं धरती अब्बा हूं, अब मैं पूरे समाज के लिए हमको भगवान ने भेजा है इसलिए पूरे समाज के लिए हमको काम करना है। ऐसा इनका एक यानी बढ़ने का कैसा एक प्रक्रिया रहा। फिर वो इसके बाद लग गए वो और लोगों का आह्वान। इसी बीच में कुछ पादरी लोग वहां का जो यानी चर्च के प्रमुख था उनको बता दिया कि एक बड़ा साधु आया है, लोगों को संगठित कर रहा है और चर्च के विरोध में अंग्रेजों के विरोध में आवाज उठा रहा है। तो वो सोचा कि इसको पकड़ना चाहिए और उसको पकड़ने का प्रयास किया और एक दिन चलकद में जाकर के वो पकड़ लिया। और वो तारीख था 25 अगस्त 1895, उनको पकड़ करके हजारीबाग के जेल में बंद कर दिया। अब जेल में बंद होने के बाद लोगों में मायूसी छा गई, लेकिन फिर बाद में 30 नवंबर 1897 को वो जेल से छूट गए। इसके बाद फिर वैसे प्रारंभ हो गया, संगठन बनाना प्रारंभ हो गया। इसके बाद एक दिन अंग्रेजों ने उस पर हमला बोला तो इनके साथियों ने भी तीन ईसाई का जो चर्च है वहां पर हमला बोल दिया। लोग एक बुर्जू मिशन है, एक बंदगांव मिशन है, एक रांची का जर्मन मिशन है, वहां पर तीन जगह लोगों ने आक्रमण कर दिया, जला डाला। ऐसा करके फिर एक दल आ रहा था इनके चलकल के तरफ, रास्ते में एक नदी पड़ता है वहां पर भी इनके साथियों ने अंग्रेज सैनिक को परास्त किया। ऐसा करके वो संघर्ष होता रहा। एक दिन उन्होंने सोचा कि अब जैसे भी हो अंग्रेजों को यहां से भगा के रहेंगे। ऐसा सोच कर उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा, एक डुम्बारी पर्वत है, वास्तव में भाई साहब कभी आप झारखंड आप लोग कोई भी सुन रहे हो आएंगे
तो एक वास्तव में प्रेरणादायी स्थल यह डुमारी पर्वत। डुमारी पर्वत में 9 जनवरी 1900 को उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा रखी। उस सभा में चारों तरफ से लोग सफेद झंडा, लाल झंडा, माथे में तिलक, ऐसा करके एकदम भगवान का भजन करते हुए उस डुमारी पर्वत पर चारों तरफ से आने लगे। हजारों लोग वहां पर जुट गए। बिरसा मुंडा का भाषण प्रारंभ हुआ कि अंग्रेजों से यहां भगाना, ये करना, बहुत प्रकार के बातें होने लगी। चर्च के जो लोग थे उनको मालूम हो गया। अब अंग्रेज सरकार ने वहां पर उसको चारों तरफ से डोमारी पर्वत को घेर लिया। घेर करके अंधाधुंध गोलियां चलाना प्रारंभ कर दिया। इतना गोली चली कि खून की धारा बह चली। माँ वहां पर बैठी है, माँ मर जाती है, उसका छोटा बच्चा गोदी में है, वो तड़प तड़प करके उसकी माँ को दूध पीती है। तो क्या क्या दृश्य, बड़ा भयानक था वो। ऐसी हालत में बिरसा मुंडा वहां से जो लोगों ने बच करके वो निकल गए। अब निकल गए तो वो भी सैन्य शक्ति जुटाने में लगे हुए थे। लेकिन एक दिन यानी 3 फरवरी को उनको बंदगांव के पास में उनको पकड़ लिया गया, 3 फरवरी 1900, और उनको रांची जेल में लाया गया। रांची जेल में बहुत यातनाएं दी गई। अब अंग्रेज को तो यह था कि बिरसा मुंडा जिंदा रहेगा तो हम लोग को जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बिरसा को जेल से बाहर नहीं निकालना। अब बिरसा को जेल में है, लेकिन बाहर के जो उनके संग साथी हैं उसमें तो और गुस्सा था। दूनी गति से उन्होंने आक्रमण करना प्रारंभ किया। तो एक दिन क्या है कि बिरसा मुंडा को के प्रति यानी एक कुचक्र चला, और 9 जून 1900 को उनका मृत्यु हो गया। प्रचार कर दिया कि उनको हैजा हो गया था, लेकिन वास्तव में यह हैजा वगैरह हुआ नहीं था। कुछ ना कुछ घटनाएं घटी। बाद में उनको उनके लाश को एक कोकर स्थान है रांची में, उस नाला के तरफ फेंक दिया। फिर अंग्रेज ने कहा, कह रहे तुम लोग फेंक करके आए हो, फिर वो जिंदा हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसको जला डालो। फिर उसको जला दिया। ये समाचार जब बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किया गया था, उस समय 13 लोगों को अंडमान के जेल में ले गया था, अंडमान काला पानी की सजा के लिए। जब बिरसा मुंडा का समाचार वहां पर मिला कि बिरसा मुंडा यानी बलिदान हो गए, तो वहां के 13 लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। और 13 लोगों ने मिल करके वहां का जो अंडमान फोर्ट बलियर का जो चर्च था उस पर आग लगा दिया। और वहीं पर अंग्रेज ने 6 लोगों को गोलियों से भून दिया, बाकी 7 लोगों को पकड़ करके एक-एक करके उसको गोली मारा। यानी बिरसा मुंडा का संबंध अंडमान तक भी चला गया। ऐसा करके बिरसा मुंडा का वो अंत हो गया। लेकिन समाज में बिरसा मुंडा के प्रति इतनी भावना थी, इतने कदर था, इतना अच्छा विचार था, वो तो भगवान के रूप में ही माने गए। इसीलिए समाज के विचारों को समझ करके सरकार ने 3 काम किया है भगवान बिरसा मुंडा के प्रति। एक तो क्या है कि जो आर्मी में बिहार रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट का जो घोष वाक्य है, उस घोष वाक्य है बिरसा मुंडा की जय। ये उनका घोष वाक्य है, यानी उनके सम्मान में। दूसरा क्या है कि भारत के पार्लियामेंट में बिरसा मुंडा का 14 फीट का प्रतिमा स्थापित है। फिर बिरसा मुंडा के जन्म तिथि पर ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य भी अलग हुआ, यानी एक बहुत बड़ा वो सम्मान दिया गया। तो इस तरह से बिरसा मुंडा सिर्फ जनजाति समाज के लिए नहीं, पूरे सनातन समाज के लिए एक वास्तव में हीरो है, एक वो दृष्टि है, प्रेरणा है। इसीलिए तो भारत के प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस घोषित किया है। तो इस प्रकार के भगवान बिरसा मुंडा के जीवन को देखेंगे तो
तो उन्होंने चर्च के साथ भी संघर्ष किया, अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया, और समाज में जो कुरीतियां हैं उस कुरीतियां को भी दूर करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।